दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और सीबीआई की तरफ से दर्ज मुकदमे में जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। आप जानते हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मुकदमे में जमानत दिया है, लेकिन जिस वकील ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाई है उसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि उनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, जिसने मोदी सरकार की ऐसी की तैसी कोर्ट में कर कर रख दी। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इसी रिपोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा और निर्णायक फैसला आया, जिसने आम आदमी पार्टी की झोली खुशियों से भर दी। जी हां, दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। पिछले 35 दिन में ऐसा ये चौथा मामला है जिसमें आप नेता को जमानत मिली। मनीष सिसोदिया इस मामले में पहले ही जमानत पर बाहर हैं, वहीं के कविता और विजय नायर को भी जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से आप नेताओं की ये बड़ी राहत दिलाने में जिसका नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, उनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। जब जमानत पर मनीष सिसोदिया छूट कर आए तो इसी धाकड़ वकील को भगवान बता दिया था। तानाशाही को कल गलत ठहराया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से 17-18 महीने से और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में दा रहे हैं, इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिकड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अब किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेके आएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर मनीष सिसोदिया बयान दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी वकील ने अब आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल पर ऐसी दलीलें दी कि सीबीआई के वकील फेल हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जमानत दे ही दी। ईडी की अंतरिम जमानत के बाद शुक्रवार को सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी का जलवा कायम रहा। जमानत का विरोध कर रही सीबीआई की दलीलें सिंघवी के सामने फुस हो गई। शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत दिलाने में सिंघवी की एक दलील दमदार थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी मान लिया। जब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को लेकर सिंघवी बहस कर रहे थे और सीबीआई के सवालों पर दलील दे रहे थे, तो सीबीआई चुपचाप खड़ी सुन रही थी। सिंघवी एक के बाद एक मिसाइल दाग रहे थे। सिंघवी की दलील थी कि जब केजरीवाल को दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली, तो जल्दी जल्दी में सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ FIR 2022 में दर्ज की। मतलब ये कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई तब सक्रिय हुई जब उनको लोअर कोर्ट से जमानत मिली। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि सीबीआई जेल से केजरीवाल को कोर्ट लाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दलील पे दलील देकर सिंघवी ने सीबीआई की हेकड़ी निकाल दी। जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अभी तक केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत नहीं माना। कोर्ट ने सीबीआई के काम के तरीके को लेकर सवाल उठाए, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सिंघवी के दांव से सीबीआई की दलीलें धरी की धरी रह गई और आखिरकार केजरीवाल को 5 महीने बाद अब जेल से बाहर आना ही है। आप जानते हैं कि दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। अब इसी को लेकर सिंघवी का डंका बज रहा है और कहा जा रहा है कि एक वकील ने मोदी सरकार और सीबीआई की नाक में दम कर रखा है।